हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो यार आप सब। सब देखो गाइस, आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया इस वीडियो का। और गाइस, ये वाला वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने गेमिंग एज अ फ्यूचर सोच ही लिया है। तो गाइस, ये वीडियो आप लोगों के लिए परफेक्ट होने वाला है। मैं आप लोग इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूँ कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो गाइस चलो, आप लोग पहले तो गाइस एक क्लिप सुन लो जो कि अपने पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो गाइस चलो फटाक से सुन लो। भारत मोबाइल गेमिंग को लेकर दुनिया के टॉप 5 मार्केट में से एक है। स्पेशल मेंशन ऑन द टेबल ऑफ द हाउस विच इज अबाउट डेवलपिंग ए प्रूडेंट इकोसिस्टम फॉर ई स्पोर्ट्स। 2 सालों में ये सेक्टर 3 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। गाइस बताना तो आप लोगों को बहुत कुछ आता हो, बट जितना हो सके शॉर्ट में जितना हो सके मैं बताऊंगा यार, कि सो दैट कि आप लोगों को हेल्प हो जाए कि आप लोगों को क्या चूज़ करना चाहिए क्या नहीं चूज़ करना चाहिए। और आप लोग जो गाइस गेम खेलते हो, आप लोग गेम आज जो खेलते हो गाइस, ये आप लोगों के लिए टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर आप लोगों के लिए फ़ायदा हो रहा है, ये भी मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊँगा। देखो गाइस सीरियसली बोलूँगा तो आप लोगों को पता है कि ई स्पोर्ट्स गाइस कुछ ही साल हुआ कि ई स्पोर्ट्स अपने इंडिया में स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना गाइस। जैसे कि पबजी वालों ने ई स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था, फिर फ्री फायर वालों ने स्टार्ट कर दिया गाइस ई स्पोर्ट्स। मतलब गाइस ई स्पोर्ट्स ज़्यादा साल तो नहीं हुआ है, मतलब कुछ ही साल हुआ है गाइस अपने इंडिया में ई स्पोर्ट्स स्टार्ट हुआ है। तो गाइस देखो, और ई स्पोर्ट्स में करियर बनाने के पीछे बहुत लोग पड़े हुए गाइस, और ई स्पोर्ट्स में करियर बनाना आप लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है गाइस। कि आप लोग बस गेम खेल के, मतलब वो फालतू का, बस ऐसा नहीं कि आप लोग गेम कुछ भी कैसे भी खेल रहे हो और पैसा आ रहा है, वैसा नहीं। बट गाइस आप लोग इसमें अपना लाइफ बना सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। गाइस आप लोग एकदम सही जगह पर। मैं पूरा गाइस थोड़ा सा शायद वीडियो लंबा हो सकता है, बट मैं आप लोग को अच्छे से आज एक्सप्लेन करूँगा कि आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस सबसे पहली बात तो गाइस, बहुत लोग हम लोग गेम खेलते हैं, कैजुअली गेम खेलते हैं, कोई सीरियसली गेम खेलता है। बट गाइस मैं बोलूँगा इतना ही कि अगर गेम खेलते हो गाइस, किसी को गेमिंग एज अ करियर चाहिए, ठीक है, फ्यूचर के तौर पे आप लोग सोच के रखो कि आप लोगों को गेमिंग ही करना है। गाइस पढ़ाई में हर, मतलब सबके सब पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है गाइस। काफ़ी लोग गेम में अच्छे होते हैं, काफ़ी लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, काफ़ी लोग दोनों में अच्छे होते हैं, तो उन लोगों के लिए अलग बात है गाइस। बट जिन लोगों ने गाइस गेमिंग को एज अ फ्यूचर सोच के रखा है, ठीक है गाइस, बस उन लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए वाला वीडियो है, ठीक है। देखो गाइस, जो लोग गेम खेलते हो ना, मैं इतना तो बता दूंगा, पहले तो गाइस अगर गेम को आप लोग कैजुअली खेलते हो, ठीक है, बट थोड़े से टाइम के लिए खेलते हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं खेलते हो बट कैजुअली खेलते हो, उतने से टाइम के लिए गाइस गेम को सीरियसली लो। मैं तो इतना बोलूँगा गाइस, गेम को जितना हो सके ना गाइस सीरियसली लो और गेम को कैजुअली मत खेलो। क्योंकि गाइस आप लोगों ने वो वाला क्लिप तो देख ही लिया कि मैंने, पता है ये वाला क्लिप आप लोगों को पहले क्यों दिखा, सो दैट कि आप लोगों को कोई फेक ना लगे ये वाला वीडियो, इसलिए मैंने पहले ये वाला क्लिप दिखा दिया। उसके बाद गाइस मैं ये वाला वीडियो में जो भी बोल रहा मैं वो सब बोल रहा हूँ, ठीक है गाइस। क्योंकि गाइस देखो, अभी जो अपना गेमिंग है गाइस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है गाइस, बहुत ज़्यादा आगे, इंडिया में तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा, आप लोग सोच नहीं सकते गाइस इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। पहले का टाइम अभी नहीं रहा, बहुत आगे बढ़ चुका है। पहले का टाइम अभी नहीं कि गेम खेलोगे तो सब लोग बोलेंगे कि टाइम वेस्ट, हाँ अभी भी सब लोग बोलते हैं कि, मतलब घर वाले तो बोलेंगे टाइम वेस्ट है, चलो यहाँ घर वाले भी अपनी तरफ से सही है। क्योंकि यार अगर आप लोग एकदम बस बकचोदी के लिए गेम खेलते हो, सीरियसली नहीं खेलते, तो ऑब्वियसली गाइस वो टाइम वेस्ट ही होता है। बट गाइस अगर आप लोग गेम को खेल लो एंड गाइस गेम से आप लोग कुछ आउटपुट मिल रहा है, अगर आप लोग सीरियसली खेल लो, देन गाइस मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। मैं इतना सजेस्ट करूँगा गाइस, अगर तुम लोग गेम खेल लो सीरियसली खेलो, और हाँ गाइस जितना हो सके गाइस स्क्वाड खेलो एंड गाइस अपना टीम बनाओ, और टीम बना के गाइस ई स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट कर दो। गाइस ई स्पोर्ट्स हर एक गेम के लिए होता है, बस अपने फ्री फायर पबजी नहीं गाइस, फ्री फायर पबजी और भी जो बैटल रॉयल गेम्स हैं और भी काफ़ी गेम्स हैं गाइस जो जिस गेम में अच्छे हो, ये वीडियो बस फ्री फायर वालों के लिए नहीं है, ये वीडियो हर एक गेमिंग प्लेटफॉर्म वालों के लिए, मतलब जितने गेमिंग प्लेटफॉर्म वाले हैं गाइस सब लोग के लिए वाला वीडियो है, बस फ्री फायर वाले नहीं गाइस। सो आप लोग अपने सारे दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो तो शेयर ज़रूर करना पहली बार। तो चलो गाइस मैं जो बता रहा था गाइस, देखो गेम को खेलते हो पूरा सीरियसली खेलो गाइस, जितना हो सके गाइस पूरा, मतलब एकदम फोकस करके गाइस गेम को खेलो, ठीक है, जितना टाइम एटलीस्ट खेलते हो तुम लोग, ठीक है। और हाँ गाइस ई स्पोर्ट्स गाइस बहुत आगे तक जा चुके हैं, आप लोगों को पता है। सो आप लोग एक ही काम करो, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा गाइस, खेलो और टूर्नामेंट्स खेलना स्टार्ट कर दो गाइस, जितना ज़्यादा हो सके, चाहे आप लोगों का लेवल 50 है 60 है, डजेंट मैटर गाइस, वन डे यू विल इम्प्रूव। इतना याद रखना गाइस, हर एक इंसान गाइस कभी ना कभी जाके इम्प्रूव करता ही है,
ठीक है, आप लोग चाहे इसको मोटिवेशन लो, कुछ भी लो, बट गाइस हर एक इंसान इंप्रूव करता है, ठीक है, आप लोग चाहो तो आप लोग बिल्कुल इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस आप लोगों को टाइम लग सकता है गाइस, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5 महीना 10 महीना गाइस 1 साल टाइम लग सकता है, बट आप लोग कभी ना कभी जरूर वो लेवल में पहुँचोगे जिस लेवल का आप लोग का ड्रीम गेम प्लेयर, आप लोग पक्का पहुँचोगे गाइस, मेरा लिख के ले लो। और गाइस जिस दिन पहुँचोगे ना उस दिन आपको कोई नहीं बीट कर सकता, आप इतना याद रखो, आप बेस्ट हो गाइस। जितना हो सके गाइस ई स्पोर्ट्स के लिए ध्यान दो, जितना हो सके गाइस टूर्नामेंट्स खेलो, एंड गाइस ई स्पोर्ट्स के लिए ट्राई करो, क्योंकि गाइस ई स्पोर्ट्स गेमिंग का फ्यूचर है गाइस, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ई स्पोर्ट्स। और इंडिया में जिस लेवल में ई स्पोर्ट्स ग्रो कर रहा है स्पेशली गाइस ये वीडियो गाइस स्पेशली इंडियंस के लिए, क्योंकि गाइस बाकी कंट्रीज में बहुत जगह पे ई स्पोर्ट्स ऑलरेडी वो लेवल पे पहुंच चुका है, ग्रो हो चुका है, बट इंडिया में अभी नया नया स्टार्ट हुआ है कुछ सालों से, आप लोगों को पता ही है गाइस, तो इसलिए ज़्यादा उतना ग्रो नहीं है, बट अभी बहुत ज़्यादा ग्रो रहा है, बहुत ज़्यादा। हर एक गेमिंग प्लेटफॉर्म उन लोगों का जो ई स्पोर्ट्स का जो है, मतलब हर एक गेमिंग प्लेटफॉर्म गाइस ऑर्गेनाइज कर रहा है ई स्पोर्ट्स, मतलब टूर्नामेंट्स वगैरह इधर इंडिया में, तो गाइस ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो गाइस मैं इतने आप लोगों को बोलूँगा कि जितना हो सके गाइस आप लोग जितना टाइम खेलते हो उतना टाइम गाइस सीरियसली खेलो, क्योंकि गाइस ई स्पोर्ट्स फ्यूचर है। अगर आप लोगों कोई देखो गाइस इतना सिंपल सा बात बोलूँगा ना, अगर आप लोग बहुत अच्छा खेलते हो ठीक है ई स्पोर्ट्स में, आप लोगों का परफॉर्मेंस एक नंबर है, आप लोग सोच लो ठीक है, तो गाइस आप लोगों को कोई ना कोई तो गाइस ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई ना कोई तो गाइस स्पॉन्सर ज़रूर करेगा, आप लोगों का स्पॉन्सर ज़रूर मिल जाएगा, और गाइस स्पॉन्सर में बहुत पैसे हैं, मैं इतना बोल रहा हूँ ठीक है। चलो इसको तो एक बार के लिए साइड रखते हैं ठीक है गाइस। आप मतलब गाइस आपको कितना फेम मिलेगा आप समझ सकते हो गाइस। देखो अगर कभी आप अपने कंट्री की तरफ से कोई टीम, कंट्री का कोई टीम से गाइस आप लोग स्पोर्ट्स खेलते हो, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, आप लोगों का फेम सोच रहे हो, मतलब एकदम आप लोग सर ऊंचा करके खेल पाओगे यार, मतलब सोच लो एक बार गाइस। तो यार बहुत बढ़िया फ्यूचर है गाइस ई स्पोर्ट्स में गाइस, मैं इतना बोलूँगा। देखो जितना खेलते हो आप लोगों का लाइफ भी सेट हो जाएगा, बस गेम खेलना आपको, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको गेम पे फोकस करना है गाइस ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा पढ़ाई छोड़ दो ठीक है गाइस, पढ़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है, पढ़ाई ऑब्वियसली करो, बट मैं इतना बोलूँगा जितना टाइम गेम खेलते हो आप लोग सीरियसली नहीं खेलते हो, मेरे को पता है जो फ्री फायर वाले हैं, एटलीस्ट फ्री फायर वाले का मैं बोल सकता हूँ, जो फ्री फायर वाले हो गाइस तुम लोग जाके दूसरों कस्टम का चैलेंज करते रहते हो या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट ये सब करते रहते हो गाइस, बट नहीं यार मैंने देखो गाइस ये मैं वीडियो हर एक प्लेटफॉर्म वालों के लिए बना रहा हूँ, मेरे को बस आप लोगों को ई स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस समझाना है, सो दैट कि आप लोग भी गाइस आज से सीरियस हो जाओ और गाइस ये सब हरकतें ना करो और एकदम अपने लाइफ के लिए कुछ परफेक्ट सोच लो यार आज गाइस। देखो आप सब गाइस एक दिन ना एक दिन बड़े हो जाओगे तो आप लोग कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, तो गाइस इसलिए मैं बोल रहा हूँ किसी को पढ़ाई से कुछ ना कुछ करना है, किसी को गेमिंग से कुछ ना कुछ करना है, बट गाइस जिन लोगों को गेमिंग से कुछ ना कुछ करना है गाइस उन लोगों के लिए एक चीज़ है जो कि ई स्पोर्ट्स। तो गाइस ई स्पोर्ट्स में अगर आप लोगों को आना है तो गाइस गेम में सीरियस हो जाओ, ये टाइम है गाइस इतना सोच लो। सो गाइस जितने ही बंदे देख रहे हो मैं इतना ही बोलूँगा कि अच्छा एकदम से सीरियस हो जाओ गाइस। देखो मैं बार बार इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ कि सीरियस हो, क्योंकि हाँ यार आप सबको ज़रूरत है सच्ची में सीरियस होना इसलिए। और गाइस ये बस फ्री फायर के लिए नहीं गाइस, सारे प्लेटफॉर्म के बंदों को बोल रहा हूँ कि सब लोग गाइस जो भी खेलते हो अच्छे से गेम खेलो, सीरियसली खेलो, और हाँ पढ़ाई का ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस दो, एंड हाँ गाइस इसको भी इंपॉर्टेंस, क्योंकि गाइस देखो आजकल ई स्पोर्ट्स गाइस बहुत स्कूल्स कॉलेजेस हर जगहों में स्टार्ट हो गया है ठीक है गाइस। अगर आप लोगों को नहीं पता तो इंटरनेट में स्टार्ट कर सर्च करके देख लो, काफ़ी जगहों में गाइस ये चीज़ मतलब आप लोगों को अगर पता नहीं है तो आप लोगों को पता चल जाएगा, काफ़ी जगहों में गाइस काफ़ी स्कूल्स कॉलेजेस में गाइस ई स्पोर्ट्स मतलब ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स वगैरह होस्ट किया जा रहा है, तो काफ़ी जगहों पर गाइस गेमिंग के लिए। तो गाइस और आप लोगों ने जैसे सुना कि आपने पीएम मोदी जी बोल रहे थे कि ये और कुछ लगभग 1-2 सालों में गाइस 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है, बहुत बड़ा मार्केट हो जाने वाला है इसका ई स्पोर्ट्स का इंडिया में, तो आप लोग समझ सकते हैं यार इसका कितना ज़्यादा वैल्यू होने वाला है गाइस इन फ्यूचर। तो मैं इतना बोलूँगा यार फ्यूचर बनाना है तो फिर गाइस ई स्पोर्ट्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, सो इसलिए एटलीस्ट जिन लोगों को स्पेशली गाइस जिन लोगों को गेमिंग में ही फ्यूचर बनाना है तो वो लोग के लिए इतना ही बोलूँगा गाइस एकदम से सीरियस हो जाओ ठीक है, एकदम से सीरियसली खेलो, जितना टाइम खेलते हो उतना टाइम सीरियसली खेलो गाइस, टूर्नामेंट्स खेलो, ओनली टूर्नामेंट्स के लिए फोकस करो, टूर्नामेंट के लिए अपना गेम प्ले बनाओ गाइस, जितना हो सके रैंक खेलो गाइस, कस्टम के पीछे मत पड़े रहो यार, जितना हो सके रैंक खेलो, जितना हो सके हाँ गाइस जितना हो सके रैंक खेलो, अपना जो फुल मैप गेम प्ले जितना हो सके इम्प्रूव करो, और ई स्पोर्ट्स गाइस खेलना है तो फिर अपना फुल मैप अच्छे से इम्प्रूव करो गाइस, हर एक चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए, तो ई स्पोर्ट्स खेलने का इसको इम्प्रूव करो एंड अच्छे से गाइस तुम लोग खेलो। मैं इतना ही चाहूँगा कि तुम लोग जो भी खेलना चाहते हो ई स्पोर्ट्स तुम लोग का बहुत अच्छा हो हैं, और गाइस जो भी टूर्नामेंट वगैरह खेलते हो गाइस अच्छे से तुम लोग परफॉर्म करो, जो लोग अभी स्टार्ट भी करने वाले हो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक।
गाइस, तो इतने था इस वीडियो के लिए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वाला वीडियो, तो गाइस वीडियो को एक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। मैंने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें एक बार मतलब ज़्यादा बार बोला है, क्योंकि गाइस इसका इम्पोर्टेंस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने बार बार बोला है। तो गाइस चलो आज के लिए इस वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ, और मिलेंगे कभी गाइस अगली बार कुछ और वीडियो पे, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वाले वीडियो पे। तो गाइस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो गाइस बाय बाय, टाटा, सी यू।